गाइस हम उमरिया रोड पे प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ से उमरिया 65 किलोमीटर है और ये देख रहे हैं नया नेशनल हाईवे बना है, बाईपास कटनी नहीं गया और ये नेशनल हाईवे होके मैं क्रॉस कर रहा हूँ। कटनी नहीं गया क्योंकि कटनी भी वही नेशनल हाईवे पर ही था, बाईपास है, ये बाईपास से कट गया हूँ। गाइज अभी मैं अभी मैं रास्ते से जा रहा था तो ये हमारे छोटे ब्लॉगर मिल गए और मैं भी छोटा ही ब्लॉगर हूँ, बस ये भी ब्लॉगिंग करते थे, अभी ही स्टार्ट किए हैं नए तो जा रहे थे तो देखे बोर्ड वगैरह तो फिर बैक होके आए वापस, तो अच्छा लगा। प्रवेश ब्लॉग के नाम से। और गाइज मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया को जितना ज़्यादा सपोर्ट हो सकता है आप उतना ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ये भारत यात्रा के लिए निकले हैं तो ये छोटी मोटी बात नहीं है कि आप कहीं गांव घर और मतलब घर गांव को छोड़कर कहीं के लिए निकल रहे हैं, तो गाइस भैया को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि भैया अपने लाइफ में कुछ बहुत कुछ अचीव कर सकें। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मगर भैया को चैनल मैं जो भैया का चैनल है सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिन ताकि भैया की पूरी वीडियो आप देख सकें। गाइस ठीक बोल रहे हैं आप, इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, अभी केदारनाथ से लौट रहा हूँ, इधर छत्तीसगढ़ जाना है और झारखंड, तो कम से कम तो मेरा 3000 किलोमीटर तक ट्रेवल हो चुका है और साइकिल से यात्रा करना बड़ा मुश्किल होता है, कई जगह कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, कहीं पंचर हो गया, कहीं चढ़ाई है, गड़िया है, तो आदमी इतना स्ट्रगल कर रहा है, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट ज़्यादा कीजिए और प्यार दिखाइए हमारे चैनल को। तो चलिए कैसा सफ़र रहता है हम अपडेट कराते रहेंगे। बोलिए जय श्री राम भैया। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। गाइज अभी ये कौन सा गांव है भैया? ये बिलायत कला। कला बिलायत कला, तो बिलायत कला में हूँ और भैया लोग मिले काफ़ी अच्छा लगा। और क्या नाम है आपका? विकास परोहा। विकास परोहा। और वो भैया हैं होटल वाले प्रवेश भैया, फोन लगाए थे, रास्ते मिले थे नाश्ता वगैरह के लिए, तो भैया यहीं पर वेट कर रहे थे हमारे। अतीन गुप्ता भैया और सभी लोग हैं, ये छोटे मोटे वही चार लोग, और अच्छा लगा। और चलिए चलते हैं नाश्ता के लिए, नाश्ता करेंगे। सुबह से अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था भाई, इसलिए रास्ते पे एक घंटे वहाँ रुका था, तो जैसे ही अपडेट होगा जर्नी अपडेट कराते रहेंगे। अभी अभी जा रहा हूँ। तो गाइज भैया हैं हमारा, काफ़ी हेल्प किए और ये देख रहे हैं दो बॉटल पानी और कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट किए। तो भैया क्या नाम है आपका? रघु कुमार उपाध्याय भैया हैं, काफ़ी अच्छा लगा। और कुछ चैनल के बारे में हमारा कहना चाहिए? आपका सफर अच्छा। थैंक यू भैया। तो भैया को काफ़ी आगे बढ़े, काफ़ी मनोकामना पूरी हुई। तो भैया हमारा काफ़ी सपोर्ट किए और इस साइड थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है गाइज, बट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, भगवान भोलेनाथ की कृपा। भैया को दिल से धन्यवाद। थैंक यू भैया। चलिए चलते हैं, थोड़ा नाश्ता पानी वगैरह कर लेते हैं। गाइज ये भैया हैं और प्रवेश भैया बोले थे यहाँ, और ये देख लो समोसा बन रहा है, ये समोसा बन रहा है, नाश्ता करेंगे इसके बाद निकलेंगे।
और ये भैया हमें रोके हुए थे, देख रहे थे रोड पे हमारा वोट के लिए। क्या नाम है आपका? प्रभात। प्रभात भैया हैं, और वहाँ से फ़ोन लगाए हुए थे प्रवेश भैया भी कि हम लोगों का जो लड़कों लोगों का ग्रुप है वो सीधे बैठे हैं, और भी जो मदद के लिए उनकी भी मदद होगी, बराबर मदद होगी, बस कांटेक्ट हो, हमसे कांटेक्ट होगा। भैया लोगों को दिल से धन्यवाद। अभी परेशानी तो नहीं हुआ, मैं इतना सफ़र किया 3000 किलोमीटर, तो परेशानी नहीं, ऐसे कोई ना कोई भोलेनाथ की कृपा से मिल जाता है। चलिए भैया आपकी दुकान आगे बढ़े, भोलेनाथ की कृपा रहे और आप तरक्की करें। अगर इस लाइन से आते हैं तो भैया के यहाँ आप नाश्ता करिए, अच्छी वैरायटी है और बढ़िया क्वालिटी के समोसा और यहाँ दिया जाता है, और काफ़ी अच्छा बनाए हुए हैं भैया। ये देखिए बनकर रेडी हो गया है, ये देख रहे हो ये, और प्याज भी डाले हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है भैया को दिल से धन्यवाद देते हैं, और चलिए क्या होता है आगे अपडेट फिर कराते रहेंगे। तो गाइस भैया का समोसा खा लिए और काफ़ी अच्छा टेस्टी था, और जो भी ब्लॉगर यूट्यूबर कोई भी अगर जा रहा है तो विलायत कला भैया जैसे ही यहाँ घुसेंगे थोड़ा सा यही दुकान यहाँ पर, और ये देखो हाईवे है उधर से आता है कटनी साइड से, यहीं पर भैया का दुकान है, ये नेशनल हाईवे 43 है, और आप यहाँ आकर नाश्ता पानी सब फ्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई चार्जेस नहीं लगेगी भैया की तरफ से, और हमें भी कराया गया भैया लोगों के सहयोग से, और अच्छा लगा है। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है विलायत कला का, यहीं पर है भैया का दुकान, और ये रहा भैया लोग, और ये भैया हैं, और ये भैया हाँ फ्री कर दिए हैं सभी ब्लॉगर के लिए, जितने भी यूट्यूबर हैं ब्लॉगर हैं, छोटे भैया बड़ा भी सभी के लिए। तो अच्छा लगा और काफ़ी टेस्टी समोसा था, और चटनी भी 3 प्रकार का भैया बनाते हैं, और मज़ा आ गया खा के। चलिए भैया दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना हमारे लिए किया, एहसानमंद हैं हम, और नहीं एहसानमंद है क्योंकि यात्री हैं, थोड़ा सा ही सहारा हमारे लिए काफ़ी होता है। तो दिल से धन्यवाद भैया को, जब कभी गुजरेंगे भैया के साथ अगर रुकना रहेगा तो फिर एक रात एक आध दो रात भैया को बिताएंगे। चलिए भैया थैंक यू आप लोगों को, भाई थैंक यू भैया से थोड़ा सा बातचीत हुआ और काफ़ी अच्छा लगा, और मज़ा आ रहा है, इसी तरह आप भी यात्रा कीजिए और इंजॉय करिए। क्या कह रहे हैं तुम?